हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पर भी स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8.4 का। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर इस बार आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, परंतु इस चैप्टर के जितने सवाल हैं आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम में काफी सहयोग करेंगे। इसी में आपको काफी अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर को आप एग्जाम की दृष्टि से नहीं तो आगे की तैयारी की दृष्टि से जरूर पढ़िएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रयास ये रहेगा कि आपको दो पार्ट में ये चैप्टर खत्म कर दिया जाए, और यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए क्या दिया है, साइन ए, फिर उसके बाद सेक ए क्या दिया गया है, सेक ए, फिर उसके बाद दिया है टेन ए, क्या दिया गया प्यारे बच्चों, टेन ए। इन तीनों को आपको किसके पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। यानी इन तीनों को आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों अनुपात को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ऐसे समझ लीजिए जो पहला और दूसरा सवाल है वो फुल फार्मूले पे बेसिक है, आपको फार्मूला एक मिलता जाएगा, इसका इसके पदों में, इसका इसके पदों में। तो थोड़ा सा लेवल यहां से हार्ड हो जाता है त्रिकोणमिति का, जो कि आप किस बार सिलेबस से हटा दिया, कोई बात नहीं पहले बच्चों देखेंगे हम लोग इसको। अब देखिए ये जो साइन ए है, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन ए, अब साइन ए का डायरेक्ट रिलेशन कॉट ए से नहीं होता, साइन ए का डायरेक्ट रिलेशन कॉट ए से नहीं होता, परंतु साइन ए का रिलेशन कोसेक ए से होता है, कोसेक ए का रिलेशन कॉट ए से होता है। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं वन अपान कोसेक ए, वन अपान कोसेक ए, बात समझे आप, साइन ए को हम वन अपान कोसेक ए लिख सकते हैं, बात आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल। अब आप देखिएगा इस कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अभी हम तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि यहां से आपको तीन स्वरसमीका दिखाई पड़ा, इन्हीं तीनों स्वरसमीकाओं की मदद से हम इन सभी को बदल लेंगे। अब देखिए जो कॉसेक ए है वो यहां पर दिखाई पड़ रहा है सेकंड नंबर स्वरसमीका में, अगर हम यहां से लिखना चाहें क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो कॉसेक ए होता है अगर यहां से स्क्वायर हटाते हैं इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, तो आ जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या ये आप बात समझ पा रहे हैं, अर्थात जहां यहां कॉसेक ए है हम यहां पर ये लिख सकते हैं वन अपान, वन अपान क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। साइन ए कॉट ए के पदों में आ गया आपका, आया। अब सेक ए को कॉट ए के पदों में लाएंगे, परंतु उससे पहले हम किसको लाएंगे, टेन ए को कॉट के पदों में। अगर हम लिखना चाहें तो टेन ए को हम लिख सकते हैं वन अपान कॉट ए, तो ये देखिए टेन ए भी कॉट ए के पदों में आ गया। अब मुझे केवल एक चीज लिखना है, सेक ए को कॉट ए में। अब प्यारे बच्चों आप इस बात को ध्यान दीजिए कि सेक ए को डायरेक्टली हम कॉट ए में नहीं बदल सकते, क्योंकि सेक का रिलेशन टेन के साथ है, तो पहले सेक को टेन में बदलेंगे फिर टेन को कॉट में बदल देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं कि जहां ये सेक ए है क्या हम सेक ए को अंडर रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। देखिए यही तो देखिए, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां अंडर रूट लग जाता है। अब बताओ चूंकि जो टेन ए होता है वो कॉट ए के बराबर होता है, तो ये लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, वन अपान कॉट स्क्वायर ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये भिन्न का जोड़ बन जा रहा, ये भिन्न का जोड़ बनेगा तो यहां पर ये आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस एक आ जाएगा और बटे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, क्या लग गया, अंडर रूट। अब देखिए ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये अंडर रूट से जब बाहर आया तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, कॉट ए, परंतु जो ऊपर है वो अंडर रूट से बाहर नहीं आया। तो ये हो गया सेक ए जो है कॉट ए के पदों में,
और टेन ए भी कॉट ए के पदों में, साइन ए भी कॉट के पदों में। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो गाइस देखिएगा, आपका दूसरा प्रश्न कह रहा, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना। मतलब छह त्रिकोणमिति अनुपात है, छह में से बचे पांच, क्योंकि एक में बदलना ही है, तो पांचों को सेक ए के पदों में बदलना। तो शुरुआत हम करते हैं प्यारे बच्चों सबसे पहले साइन ए को। तो एक बात ध्यान देना गाइस, जो साइन ए होता है उसका डायरेक्टली रिलेशन कोई नहीं होता सेक के साथ। साइन का रिलेशन जो है कॉसेक ए से होता है। तो साइन ए को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक ए, लिखा जा सकता है। अब कॉसेक ए का जो रिलेशन होता है वो कॉट ए के साथ होता है। देखिए वहां लिखा जा सकता है, यहां कॉसेक ए बराबर लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो भी अंडर रूट में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मुझे सेक मिलाना है ना कि कॉट मिलाना है, तो कॉट वाला जब टेन में पहुंच जाएगा तो सेक के पदों में आराम से लिख सकते हैं। तो यहां पर कॉट को हम लिख सकते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां लिख रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं। तो वन अपान, यहां पर कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉट को लिख सकते हैं एक बटे टेन, तो यहां पर हो जाएगा एक बटे टेन स्क्वायर ए। ठीक, अंडर रूट लग गया। अब हल करेंगे प्यार बच्चों, इनका गुणा यहां हो जाएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए वन बटे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इतनी बात समझ में आ रही। बटे बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बटे ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब ये चीज ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों, ये चीज क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर इसका हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये चीज गुणा होके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। तो हम इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस स्टेप में, अगले स्टेप में, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, जब टेन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, वो भी अंडर रूट में। ठीक, ये चीज आपका ऊपर गया अंडर रूट के साथ, पूरा टोटल ऊपर हमने लिखा, ये चीज नीचे बचा है। अपान में क्या लिखा है, वन प्लस टेन, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको, अब ध्यान से देखिएगा। अगर प्यारे बच्चों इस अंडर रूट में, जो ये अंडर रूट है, इसमें अगर हम क्या करें, एक को जोड़ दें और एक को क्या कर दें, घटा दें, तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब एक को जोड़े क्यों घटाए, क्योंकि मुझे सेक ए के पदों में इसको बदलना था। अब देखिए इतना पूरा चीज, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, अर्थात हम इसके स्थान पे सेक स्क्वायर ए, और बचा क्या है आपका माइनस वन, और क्या है अंडर रूट है। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इतना इतना सेक स्क्वायर ए के बराबर है, किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के। ठीक, अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन पूरे के बटे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सेक ए आ जाएगा। ये रहा आपका साइन ए जो है सेक ए के पदों में, साइन ए किसके पदों में आ गया, सेक ए के पदों में। कितने स्टेप से आए आप, एक दो तीन चार पांच छह, सातवें स्टेप में साइन ए बेचारा सेक ए के पदों में आ गया। अब हम किसको लिखेंगे, अब साइन को छोड़कर अब आ जाते हैं कॉस ए के पदों में, ये पहला हमने किया। अब दूसरा कौन सा, कॉस, तो कॉस का रिलेशन तो डायरेक्ट सेक ए से होता है, कॉस ए को हम लिख सकते हैं वन अपान सेक ए, हो गया इसका काम, क्योंकि इनका डायरेक्टली रिलेशन होता है भाई, ये सगे सगे रिश्तेदार हैं, नजदीक वाले हैं। ठीक, अब दूसरा, दूसरा अगर हम बदले टेन ए को, किसको बदले, टेन ए को, तो भैया टेन ए का रिलेशन क्या होता है जानते हैं, हाँ टेन ए का रिलेशन होता है, टेन ए वहां लिखा, देखिए ये वहां पर ये चीज इधर आ जाए, तो टेन ए बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन।
ठीक, ये चीज लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस वन टेन ए के पदों में। ठीक, अब टेन ए sec ए के पदों में आ गया, cos ए आ गया, अब बचा कौन है, cot ए। कौन बचा प्यारे बच्चों, cot ए। अब जो cot ए होता है, cot ए को हम लोग लिखते हैं एक बटे टेन ए। अब टेन ए का जो फॉर्मूला है वो यहां पर हम रख दें, तो आ जाएगा एक बटे अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाए, वन हो जाए। ठीक, ये आ गया आपका कॉट ए जो है सेक ए के पदों में। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम अगला लास्ट अनुपात जो है उसको व्यक्त कर रहे हैं प्यारे बच्चों। लास्ट अनुपात कौन है, कॉसेक ए। अब हम अगले अनुपात को व्यक्त करेंगे कॉसेक ए को, किसमें, कॉसेक ए को प्यारे बच्चों कॉसेक ए में बदलेंगे। अब कॉसेक ए का डायरेक्टली रिलेशन आपका सेक ए से नहीं होता, परंतु कॉसेक ए का रिलेशन होता है कॉट ए से। किससे होता है प्यारे बच्चों, कॉट ए से होता है। तो हम वहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो कॉसेक ए होता है वो अंडर रूट में क्या होता है प्यारे बच्चों, अंडर रूट में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब कॉट को हम टेन के पदों में लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर को लिख देंगे वन बटे टेन स्क्वायर ए। ठीक, ये लग गया अंडर रूट। अब इसे आप हल करेंगे, इसे आप हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये अब पूरे के बटे क्या आ जाएगा, पूरे के बटे टेन स्क्वायर ए, वो भी अंडर रूट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यही चीज अगर हमको इसको फॉर्मूला बनाना, तो माइनस एक कर दिए और इधर प्लस एक कर दिए, मतलब एक जोड़ दिए और एक क्या कर दिए, घटा दिए। क्यों जोड़ दिया घटा दिया, क्योंकि यहां से किस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए टेन स्क्वायर ए प्लस वन, टेन स्क्वायर ए प्लस वन बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए, और पूरे के बटे इस इतने को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये रहा आपका अंडर रूट वाला चीज। अब ये सेक स्क्वायर ए अंडर रूट से बाहर आएगा, जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा प्यारे बच्चों, तो सेक स्क्वायर केवल सेक ए हो जाएगा। तो सेक ए पूरे के बटे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इस प्रकार आपका जो है कॉसेक ए भी सेक ए के पदों में आ जाता है। सभी जो अनुपात हैं वो सेक ए के पदों में आ गए प्यारे बच्चों। और ऐसे जो सवाल हैं आपको फार्मूले में मदद करते हैं कि आप एक को कैसे किसी के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे थर्ड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो गाइज आपको प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि इनको आपको हल करने के बाद एक लाना है, और इनको हल करने के बाद भी आपको एक ही लाना है, ध्यान से। यानी मिला जुला के उसका एक लाना है प्यारे बच्चों, की क्या लाना है उसका, तो राइट हैंड साइड क्या है भाई, कुछ लाना नहीं प्यारे बच्चों, सिद्ध नहीं करना, बल्कि इसको हल करना है। ठीक, इसको क्या करना, हल करना। ध्यान से देखिए, अब ये जो तीसरे का फर्स्ट नंबर है, तीसरे का सेकंड नंबर, दोनों को हल करके केवल वैल्यू बताना है, इनका वैल्यू कितना आने वाला है। तो एक फार्मूला अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा, यदि आपने पिछला वाला चैप्टर देखा होगा तो याद होगा, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, सिक माइनस सिक 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो ऐसा फार्मूला सब पढ़े थे ना, तो उन्हीं सब फार्मूले पे हम ध्यान देंगे, इनको लगाने में आराम से हल कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें, और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें, आइए देखते हैं कैसे चेंज होता है। अब यहां साइन स्क्वायर 63 है, तो क्या हम साइन को ये लिख सकते हैं, चलो साइन स्क्वायर लिख दिए, 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27, 90 में से 27 घटाओगे कितना आएगा, 63 आएगा, 90 में से 27 घटा दो तो 63 आ जाएगा, साइन स्क्वायर 63 मिल जाएगा। अब प्लस बाकी इसको सेम टू सेम डिट्टो की जैसा उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे के बटे। अब इन दोनों में से एक को चेंज कर दो, अब लिखो इसे कॉस स्क्वायर लिख रहे हैं, लिखिए कॉस स्क्वायर, 17 को लिख सकते हैं यार 90 माइनस 73,
90 में से 73 घटाओगे 17 ही आएगा, और प्लस इसको वाई से सेम टू सेम उतार लो। ठीक, अब देखो साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, क्या होता है कॉस ए, तो साइन 90 माइनस ए बराबर ए के स्थान पे क्या है 27, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27। ठीक, बात समझिए जरा सा, और आगे क्या है साइन स्क्वायर 27 है। ठीक, पूरे के बटे क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों 73 है, और प्लस यहां क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एकदम पहला नंबर, देखिए इसकी भी वैल्यू एक हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी एक हो जाएगी, तो एक बटे एक सदैव एक आता है। ठीक, आप समझ पाए, ये देखिए सवाल कंप्लीट हो गया, एक लाइन दो लाइन, दो ही लाइन का सवाल है। ठीक, अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रश्न की। सेकेंड प्रश्न को भी हम दो, इधर दो में से एक को कन्वर्ट कर दें और इधर दोनों में से एक को कन्वर्ट कर दें। चले देखिए अब हम क्या करते हैं, साइन को अगर बदलना चाहें तो साइन 25 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 90 माइनस 65, 90 माइनस 65, अब 90 में से 65 घटा दीजिए 25 आ जाएगा, और इंटू इसे ऐसे उतार लीजिए कॉस 65। ठीक, प्लस अब इनमें से एक को चेंज कर दीजिए, कॉस 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65, और वो कितना है साइन 65। किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, तो कॉस ए के स्थान पे कौन है 65, तो कॉस 65 इंटू क्या है कॉस 65 पहले से है, प्लस कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, तो साइन ए के स्थान पे कितना है 65। ठीक, इंटू कितना है साइन 65। अब आप देखो ध्यान से, इनका इनका गुणा हो जाएगा, कॉस का कॉस से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर होगा, और कितना हो जाएगा 65 अंश हो जाएगा। साइन का साइन से गुणा हो जाए प्यारे बच्चों तो साइन स्क्वायर 65 हो जाता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो गई एक हो गई। इस प्रकार तीसरे का पहला और दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 का। तो गाइज आपको प्रश्न नंबर 4 में 1, 2, 3 और 4 चार प्रश्न बहुविकल्पी के तौर पे दिए गए हैं, इनके विकल्प भी आपके बुक में दिया गया है। विकल्प मैंने नहीं लिखा है प्यारे बच्चों, हम इनको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बहुविकल्पी में मिला लेंगे, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों 9 sec² - 10 square ए को यहीं पर हल कर लेते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है। देखिए दोनों में कॉमन है प्यारे बच्चों 9, दोनों में 9 कॉमन है, क्या बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी वैल्यू एक होती है तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, कहेंगे सर जी आप तो यही तीन ठो फॉर्मूला ही लिखा है हो, तो आप इनका मान एक कहां से बता रहे हो। तो भैया आओ जरा सा देख लो, अब बताओ ये प्लस 10 स्क्वायर ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा बोलो। अब ये प्लस इधर गया माइनस हो गया, बेचारा इधर कौन बचा अकेले एक, अब मिलाओ जरा सा क्या इससे आपका मैच कर रहा है, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा एक, यानी अगर ये एक है तो 9 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार जो भी ऑप्शन 9 दिखाई पड़ रहा हो उस पर तुरंत टिक लगा लो कि इसका उत्तर जो है 9 हो गया, बात समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर की, सेकेंड नंबर क्या है 1 + 10 θ + 6θ, मजेदार सवाल है प्यारे बच्चों एकदम जबरदस्त है, क्या करा 1 + 10 θ + क्या है sec थीटा, कितना है प्यारे बच्चों 1 + 10 θ + 6θ, फिर है 1 cot θ - cosec θ, एकदम मक्खन वाला सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए सबको सबसे पहला त्रिकोणमिति का फंडा होता है साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर दो फिर हल कर लो। तो आइए
हम सबको साइन कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे। अब एक तो किसी के पदों में होगा नहीं, हम टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बेसिक फार्मूले हैं प्यारे बच्चों। टेन जो होता है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक को लिख सकते हैं वन अपान कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक होता है। ठीक, ये हो गए। और उधर वन प्लस कॉट, कॉट होता है कॉस थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा। और माइनस कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो वन अपान क्या हो गया साइन थीटा। अब सबके बटे एक लगा के एकदम भिन्नों वाला जोड़ हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इनका एलसीएम जो आएगा वो कॉस थीटा ही आएगा। अब कॉस थीटा का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल होगा तो एक बार जाएगा, एक का गुना साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ये भी एक बार जाएगा तो एक का गुना एक से कर देंगे तो एक आ जाएगा। ठीक, ये एक कोष्टक में आ गए। अब प्यारे बच्चों अगले कोष्टक में इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा। अब बताओ जरा सा, एक का पहाड़ा कितनी बार जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई एक से कर दें तो भैया हम साइन थीटा यहां लिख सकते हैं। फिर साइन थीटा से कैंसिल होगा तो अगला क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। और फिर यहाँ पर साइन थीटा का साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा एक आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आप इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगर आप ध्यान से देखिए तो इतना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिला जुला के एक ए मान ले और ये क्या मान ले बी, ये मान ले बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, यहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इतना टोटल जो है अगर हम ए मान लें और इसको बी मान लें और इतने टोटल को हम ए मान लें और इसको क्या मान लें बी मान लें, तो फार्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला जानते हैं प्यारे बच्चों, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पे कौन है यहाँ कॉस थीटा और कौन है साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस एक का वर्ग कर दो कोई मतलब नहीं, यहां बच जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो अब हम इसको खोल देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्या होता है ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ माइनस एक आ जाएगा, आपका माइनस एक पहले से था ये वाला, इंटू क्या है प्यारे बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में इतने की वैल्यू यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो एक है क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा है, ये देखिए। ठीक, अब प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉ इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये माइनस एक प्लस एक कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं कितना आ जाएगा दो। अब जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा हो प्यारे बच्चों वही इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का जो जवाब है वो दो आएगा। ऑप्शन में मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो भी हो इसका मिला लीजिएगा क्या आंसर आपके मैच कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपको दो दिया है, आप वहां पर टिक लगा लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर प्रश्न की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर की प्रश्न की। ठीक, आप अगर उसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब हम उसको रफ करने वाले प्यारे बच्चों। चलिए तो गाइस देखिए थर्ड नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है। थर्ड नंबर है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस क्या है टेन ए एक कोष्टक में, फिर है वन माइनस साइन ए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा सेक ए को हम लिख सकते हैं वन अपान कॉस ए, क्या लिख सकते हैं वन अपान कॉस ए। टेन ए को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों साइन ए बटे कॉस ए। पहला रूल होता है आप साइन ए और कॉस ए की पदों में तोड़ दीजिए और वहां पर क्या है वन माइनस साइन ए है। चलिए ध्यान से देखिए, अब लॉ सब बराबर सॉरी इनका हर बराबर है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो वन प्लस क्या आ जाएगा साइन ए और बटे क्या हो जाएगा कॉस ए, वहां है वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए। अब देखिए प्यारे बच्चों
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पे एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस कौन है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए कॉस ए पूरे के पदों में आ गया। अब बताइए किसका फॉर्मूला है, देखो एक का स्क्वायर मतलब एक ही होता है, तो देखिए ये किसका फॉर्मूला है, जब ये एक इधर आ ये साइन स्क्वायर ए उधर चला जाए प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए बराबर जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर। मतलब जहां वन माइनस साइन स्क्वायर ए है वहां हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, पूरे के बटे आ जाएगा कॉस ए, एक एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट वाला जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो कॉस ए के पदों में आएगा। आप जो विकल्प दिखाई पड़ रहा होगा आप उन्हें जरूर मिला लीजिएगा, क्या आपके ऑप्शन उससे मैच कर रहे हैं प्यारे बच्चों? जी बिल्कुल मैच तो करना चाहिए। तो आपका कॉस कॉस ए उत्तर भी आया प्यारे बच्चों, कॉस ए ही आपका क्या है उत्तर है। चलें तो अब हमारा जो अगला वो ऑप्शन नंबर कौन सा डी है, विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट है। अब हमारा जो अगला सवाल है उसको हम हल करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए यही पर हल कर देते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यहां पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि यही तो आंसर खत्म हो गया प्यारे बच्चों, ऐसा आपके विकल्प इनमें नहीं दिया है, तो जब ऐसा विकल्प नहीं दिया तो हम इनको और आगे हल करेंगे। सेक ए को हम लिख सकते हैं वन अपान कॉस ए, तो यहाँ वन अपान कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन अपान साइन स्क्वायर ए। ठीक समझिए जरा सा, ये ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन ए, तो यहाँ स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए लग जाएगा। अब जो भी ऑप्शन दिख रहा हो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका उत्तर टेन स्क्वायर ए आया है प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपका चार नंबर का चारों भाग कंप्लीट होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। गाइज आज की क्लास में केवल हम यहीं तक बात करेंगे, जो बचे हुए प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे, परंतु जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो सवाल है वो बहुत ही मजेदार है प्यारे बच्चों, उसको लगाने में और ही आनंद आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं सभी सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।